हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम होगा रूरल डेवलपमेंट। देखो बच्चे, आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हम लोग 8 चैप्टर कर चुके हैं और हम लोग देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट का नाम ही जो इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर हम लोग बुक ही यही पढ़ रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि भारत में जो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हुआ ना, वो किस तरीके से हुआ है, तो उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। और उसी कड़ी में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, कि जो हमारा गांव का क्षेत्र है उसमें विकास कैसे हुआ है। ठीक है, मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, वो क्लियर कर देता हूँ कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। कहता है, रूरल डेवलपमेंट जनरली रेफर्स टू दी प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग, कि ये एक रूरल डेवलपमेंट है, जो ग्रामीण विकास है ना बच्चे, ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्प्रूविंग, के जो सुविधाएं है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप सभी जानते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के जीने का तरीका है, ठीक है, वो इम्प्रूव करना, एंड इकोनॉमिक के भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और इकोनॉमिक लाइफ है गाँव की, उसमें सुधार करना, वेल बींग ऑफ पीपल लिविंग इन रिलेटिवली आइसोलेटेड एंड सेपरेटली पॉपुलेटेड एरियाज, कि जो गाँव के जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में, ठीक है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली या क्वालिटी ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग जो बैकवर्ड लोग हैं, उनकी जो जीवन है उसमें सुधार करना, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण विकास कहते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ बात की है क्वालिटी ऑफ लाइफ के और इकोनॉमिक, उसमें सारे एस्पेक्ट्स आ गए हैं बच्चे, ठीक है, और अभी आपके साथ में वो सारी चीज़ें क्लियर भी करूंगा कि किस किस की इम्प्रूवमेंट की जाती है, कौन कौन से एस्पेक्ट की इम्प्रूवमेंट की जाती है, कौन कौन से पॉइंट की इम्प्रूवमेंट की जाती है, ठीक है। लेकिन विकास यहाँ पर किसका होता है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट होती है गाँव की। हमें सिर्फ यहाँ पर गाँव की चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, कि गाँव में चीज़ें कैसे हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट में कहता है, सम एरियाज दैट नीड अर्जेंट अटेंशन फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, कि अभी भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गाँव में सुधार की ज़रूरत है, जिनमें भारी मात्रा में सुधार की ज़रूरत है और उन पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। कि अटेंशन कौन देगा? सरकार देगी, ठीक है, सरकार को नीतियाँ ऐसी पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है कि जिससे गाँव का विकास हो सके। अब उस कड़ी में पहला पॉइंट आता है हमारे पास, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, कि जो गांव के लोगों का विकास है उसमें उनकी हेल्थ, सैनिटेशन की सुविधाएं, ठीक है, आप सभी जानते हैं सरकार ने कुछ दिन पहले एक खुले में शौच नामक एक अभियान चलाया था कि लोग खुले में शौच जाते हैं, उसको दूर किया, सैनिटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व की, हेल्थ की प्रॉब्लम उसी से सॉल्व होगी, क्योंकि अगर लोग खुले में शौच नहीं जाएंगे तो कितनी सारी बीमारियां नहीं फैलेंगी हॉस्पिटल्स के लिए। लिटरेसी, आप सभी जानते हैं एजुकेशन एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है गाँव के विकास के अभी भी के बीच में, ठीक है। फीमेल एम्पावरमेंट, जो महिलाओं का विकास है, या इस पॉइंट को हिंदी में कहते हैं महिला सशक्तिकरण, ठीक है, उनका विकास करना। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, गांव में जो कानून की व्यवस्था है उसको बना के रखना, ठीक है भाई। लैंड रिफॉर्म्स, आप सभी जानते हैं गांव आज भी शहरों से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, उस कड़ी में हमें क्या करना है कि गाँव को शहरों जैसा बनाना है, ठीक है, उनके लेवल का लेके आना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, कि जो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, जैसे इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटी, पानी की प्रॉपर फैसिलिटी भाई, पीने के पानी की, बिजली की व्यवस्था करना। आज भी आपको बताता हूँ बच्चे, मैं आज भी गांव में, जहां शहरों में 22 घंटे बिजली आती है, गांव में मात्र 14 से 15 घंटे बिजली आती है, और ये मैं डेवलप्ड एरियाज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो पिछड़े इलाके हैं उनमें तो भूल ही जाओ बच्चे लाइट का कोई ऐसा ऑप्शन है या नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, गांव में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कराना ताकि वो अपना बिजनेस कर सके। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और गरीबी को गांव से हटाना, गरीबी मुक्त करना, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं तो ग्रामीण विकास हमारा सही मायने में सच साबित हो सकता है और ये अभियान पूरा हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भाई सम चैलेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट, वो पॉइंट पे हम लोगों ने बात की थी कि कहाँ कहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिससे डेवलपमेंट हो सके, किसकी, ग्रामीण विकास की, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की, रूरल डेवलपमेंट को हम लोग अपने जो सपना है उसको अचीव कर सके। अब उसमें कहता है कि जो सपना है हमारा, जो हमारा मोटिव है, मकसद है, उसमें बच्चे कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ हर्डल्स भी हैं जो फेस करने हैं। अब वो कहता है सबसे पहला हर्डल है के लोगों को, हम लोग अगर पैसा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, गांव में क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं पैसे से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है,
पैसे से ही सुविधाएं होंगी, पैसे से ही हेल्थ होगा, ठीक है, अच्छी हेल्थ मिलेगी, अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, एजुकेशन मिलेगी, हर चीज पैसे से शुरुआत होती है। तो पहला चैलेंज है रूरल क्रेडिट, कि गांव के लोगों को पैसा प्रोवाइड किया जाए, क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। कहता है रूरल क्रेडिट मींस क्रेडिट फॉर फार्मिंग फैमिलीज, के जो गांव में फार्मिंग फैमिलीज है ना, जो कृषि पर निर्भर हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करना, ठीक है। क्रेडिट इज द लाइफलाइन ऑफ फार्मिंग, आप सभी जानते हैं कि क्रेडिट पैसा मनी क्या है बच्चे, जो फार्मिंग है उसकी लाइफलाइन है, उसके बिना तो बच्चे किसान बीज भी नहीं खरीद सकता, ठीक है, जो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर जो खेत में इस्तेमाल होते हैं वो भी नहीं खरीद सकता, ठीक है, हर चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे वो कहता है क्रेडिट नीड्स फॉर दी टिपिकल इंडियन फार्मर में ब्रॉडली एज क्लासिफाइड अंडर, कि जो क्रेडिट की फैसिलिटीज है ना इंडियन फार्मर के लिए, वो तीन पॉइंट में है, वो आपको मैं समझा देता हूँ, वो तीन पॉइंट बेसिकली कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारे पास शॉर्ट टर्म क्रेडिट। देखो नाम जो इसका डेफिनेशन है, नाम है शॉर्ट टर्म, मतलब छोटे टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इसके नाम से ही आपका इसका पूरा आंसर क्लियर होगा कि ऐसी फैसिलिटी जिसको शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम पीरियड के लिए, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए जिसको डेवलप किया गया है, ठीक है। कहता है इट नीड्स रिलेट्स बेसिकली टू दी परचेज ऑफ इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा। मेनली ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बच्चे किसानों को, कि वो लोग फर्टिलाइजर्स जो खेत में मैन्योर लगते हैं, फर्टिलाइजर्स लगते हैं या बीज लगते हैं, उनको खरीद सकते हैं, उनको खरीद सके, ठीक है, क्योंकि ये हर छः महीने में, हर तीन महीने में खरीदना पड़ता है, हर तीन महीने में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है यहाँ पर उनको, ठीक है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग जनरली जो ये बोरोइंग्स होती है ना, ये क्रेडिट होता है, ये मेनली कितना टाइम पीरियड के लिए होता है, 6 to 12 months, कि 6 महीने से लेके 12 महीने तक, मैक्सिमम 1 साल तक के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। उसमें वो रिपेमेंट भी कर देते हैं क्योंकि फसल आ जाती है और रिपेमेंट हो जाती है। अगले पॉइंट में कहता है मीडियम टर्म क्रेडिट, ये शॉर्ट टर्म से थोड़ा बड़ा आएगा, मतलब टाइम पीरियड यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। कहता है मीडियम टर्म लोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग मशीनरी, कंस्ट्रक्टिंग फेंसेस एंड डिगिंग वेल्स। कहता है जो मीडियम टर्म की फैसिलिटीज है ना, वो प्रोवाइड की जाती है बच्चे किसके लिए, कि जो फेंसेस हैं खेत के चारों ओर जो बाड़ होती है उसको करने के लिए, जो डिगिंग वेल्स हैं कि भाई जो ट्यूबवेल्स उनको लगाने हैं उनके उनकी खुदाई के लिए, ठीक है। सच लोन्स आर जनरली स्ट्रेच ओवर अ पीरियड ऑफ 12 months to 5 years। जो ये मीडियम टर्म के क्रेडिट हैं बच्चे, ये फैसिलिटी है, ये प्रोवाइड की जाती है 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए, ठीक है, मतलब पहली 1 साल के लिए, दूसरी 5 साल के लिए। तीसरे पॉइंट में कहता है वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट, आप सभी जानते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट मतलब ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म से काफ़ी बड़ा है, और कुछ काफ़ी बड़े ही काम होंगे या कुछ ऐसी बड़ी सुविधाएं होंगी या बड़े इलेक्ट्रिकल काम होंगे ऐसे जिनके जिनमें इसकी ज़रूरत पड़ती होगी। कहता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट इज मीन्ट फॉर द परचेज ऑफ एडिशनल लैंड, कि अगर कोई किसान अपनी कृषि क्षेत्र है उसमें वृद्धि करना चाहता है, उसको इंक्रीज करना चाहता है, कोई लैंड एक्स्ट्रा खरीदना चाहता है, तो उस टाइम पर क्या करेगा वो, तो वो लैंड खरीद लेगा, और किसकी मदद से, वो सरकार ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है लॉन्ग टर्म क्रेडिट की, कि आप लंबे समय के लिए लोन लीजिए हमसे, लंबे समय के लिए आप हमसे क्रेडिट की फैसिलिटी लीजिए, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एडिशनल लैंड खरीद सकते हैं। और आप सभी जानते हैं बच्चे 1 acre ज़मीन खरीदने के लिए, अगर मैं आपके क्षेत्र की बात करता हूँ, हरियाणा जो एक डेवलप्ड स्टेट है, वहाँ पर अगर आपको 1 acre खरीदना है तो कम से कम 50 lakh आपके पास होने चाहिए, और आप सभी जानते हैं 50 lakh एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो सरकार कहती है कि इतने बड़े अमाउंट को वो कितने टाइम के लिए प्रोवाइड करती है, कहती है 5 to 20 years, के 5 साल से लेके 20 साल तक के लिए वो ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ताकि वो एक किसान एक ज़मीन खरीद सके और ज़्यादा खेती कर सके और अपने डेवलपमेंट को और ज़्यादा इंश्योर कर सके, ठीक है बच्चे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने चैलेंजेस थे जो गांव में क्रेडिट फैसिलिटी को लेके हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आशा करता हूँ आज का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चे, जिससे आपको करंट नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने क्वेश्चन कमेंट्स में जरूर पूछें बच्चे, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।